लोग जा रहे हैं आज एक इक्वाइन ट्रेनिंग के प्रोग्राम में और आज हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो रेवा से हैं, रेवा के वेटनरी कॉलेज से हैं और हमारे पुराने साथी तो हैं हमारे साथ। मैं आपको वो फेमस डायलॉग कहने जा रहे हैं जो सारे यूट्यूबर्स का होता है, और हैंडलिंग। उससे पहले एक चीज कि आपको ये आइडिया कि कितने टाइप के रिस्ट्रेन करने के तरीके होते हैं एनिमल को? कितने? डॉग्स किस क्रॉस मेथड होता है? धीरे धीरे भी चल रहे हो तो धीरे धीरे तो भी शेर लायन ही चलेगा ताकि वो शिकार कर सकता है। और एक ये चीज हेड कलर लीड रूप है ना, आपके पीछे होना चाहिए क्योंकि इसके सामने आ रहा है ये चीज तो इट माइट थिंक वो इस चीज से मुझे कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ ये कहते हैं ना, इनके पास अभी जा रहे हो तो हमेशा ना कुछ चीज बोलते हुए जाओ, ठीक है? सो दैट इन्हें ये पता रहे कि हाँ हमारे पास कोई आ रहा है। क्या बोल रहे हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है आप इस टोन में बात कर रहे हो उनसे। अगर हम इनके साथ कोई काइंड वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें वो चीज समझ में आएगी अगर टोन हमारे अगर काइंड है, ठीक है? और ये चीज, और ये कभी भी इनकी आंखों में नहीं देखना है। लुक एट एनी पार्ट, आप इनके नेक में देखो, शोल्डर में देखो, कहीं भी देखो, बट कभी इनकी आंखों से आंखें डाल के। बॉडी पार्ट्स देखकर ना हमें ये पता चल रहा होता है कि ये एग्रेसिव हो रहे हैं या फिर ये रिलैक्स कंडीशन में है। कोई आइडिया है कुछ कि मतलब कौन से बॉडी पार्ट देखने चाहिए? कान है। अभी किस पोजीशन में है? नॉर्मल है। और यही अगर इसके ईयर ऐसे होते तो फीचर हो वो तो डरा हुआ, अगर पीछे को फ्लैट है ऐसा भी सीधे है ऐसे वो ठीक है, अगर पीछे को पूरे फ्लैट है ना इट मीन्स कि एनिमल आपका है वो अग्रेसिव हो रहा है। कुछ बॉडी पार्ट देखते हैं, कान का तो आप लोग को आइडिया है कि ये सीधे खड़े हैं तो मतलब अलर्ट है, ये अगर पीछे की ओर फ्लैट है तो मतलब एनिमल आपका अग्रेसिव हो रहा है। कान के बाद आंखों में आई है, आंखों का जी अभी नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है? आईज का जो व्हाइट पार्ट जब दिख रहा है ना इट मीन से ये एनिमल वो साइन है कि एनिमल एग्रेसिव हो रहा है। अब आंखों के बाद से नसल के बाद ये तो ये वाला पार्ट हो गया जबड़ा, अगर ये ना टाइट है, अगर इसके जबड़े टाइट है और इसे दांत दिख रहे हैं, ठीक है, दांतों का ये गम सरफेस दिख रहा है इट मीन से ये एनिमल है ना वो एग्रेसिव हो रहा है। चलो बच्चा चलो हम थोड़ा घूम कर आते हैं ना। मतलब आप उसको कहीं ना रिवॉर्ड दे रहे हैं, जैसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है, रीइंफोर्समेंट मतलब कोई आदत वो रिपीट करे, ठीक है, उस वक्त आप उसे कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो है रीइंफोर्समेंट। अगर कोई आदत चाहते हैं कि कोई आदत वो ना करे, ठीक है, अब पनिशमेंट में पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। नेक वाला एरिया है, जस्ट उस पर स्क्रैचिंग करिए, उसे टैप करते रहिए और कोशिश करो जब तक आप नीचे जा रहे हो ना इसके साथ जो कॉन्टेक्ट है आपका वो ना टूटे, क्योंकि कॉन्टेक्ट टूट रहा है तो इट्स लाइक आपने इसके साथ जो अपनी दोस्ती की है आपको वो फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करने के लिए दोबारा से उतना टाइम लगेगा। आराम से नहीं स्क्रैच करते पीछे जाओ, नाल तो
बड़ी बुरी लगा। आराम से एक बार में तुरंत उठाने के लगा, तुरंत इसने उठा दिया है। ठीक है, और उठाते वक्त हम ये कहते हैं ना कि दो उंगलियां, ठीक है, ये इसके हुक पोल में होनी चाहिए और दो उंगलियां है ना, कोरोनी बैंड है ये। कोरोनी बैंड मतलब ये जो हुक पोल और ये वाला जो हिस्सा है उसके बीच में जो लाइन है, दो यहाँ होना चाहिए। नाल के साइज छोटी है और फिर से देखिए अप्रोच करके यहाँ पास आ गए। ये तो बड़ा सीधा है, खुद उठा ले रहा है, खुद ही उठा ले रहा है। और कुछ बदमाश होते हैं ना, और ये ऐसा नहीं है नीचे रखते हो ढाप छोड़ दिया, आराम से प्यार से नीचे रखो। गुड बॉय। और कुछ होते हैं ना नहीं उठा रहे होते हैं, तो यहाँ पर पेस्टोरेंट के पास हाथ पकड़ा पास जाने की जरूरत है सर, इतना ट्रेंड है इस चीज को। थोड़ा सा कोहनी की से हल्का सा ऐसे प्रेशर लगाने का, और उसके बाद आ जाते हैं हाइंड हाइंड लिम उठाने का। ये ध्यान से देखिए, आगे वाला तो सब उठा लेंगे ऐसे ऐसे, पीछे वाला थोड़ा सा, पीछे वाला थोड़ी डिफिकल्ट होता है, ऐसे इस हिस्से से आप पीछे जा रहे हो, तो ये एनिमल सॉरी हैंडलर आपके सेम साइड पे हो जाना चाहिए। एनी आइडिया एनी गेसेस ऐसा क्यों रिकमेंड करते हैं, जिससे उसको लगे कि बैलेंस में है कोई भी बैलेंस। और सोचो, गलत सोचो, टाइप ऑफ अटैक पहले सोचो तब समझ। अच्छा, डेंजर जोन के बारे में बात नहीं की थी ना हमने, कौन कौन से सिक्स डेंजर जोन होते हैं कोई आइडिया? एक तो जो दोनों पैर से मारते हैं वो आगे की तरफ, और पीछे से भी, पीछे से हो गया, मुंह से भी, इससे भी तो मारते हैं, चिन से, नीचे चिन से मारते हैं, और चल जाएंगे काट से, काटना, बाइटिंग। और एक चीज, फाइट एंड फ्लाइट बता रहा था तो उसपे कुछ चीज बताया था ना आपको, ये धक्का दे सकता, क्रश भी कर सकता है अगर कन्फाइंड स्पेस में। और भी बस ये चीज है, जब ये कॉइंस के आप पास जाते हो ना, डरना नहीं, कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि आप जितना डरोगे ना ये आपके ना आपके मोशन को ये सेंस कर लेंगे, आप डर रहे हो कि आपको और डराएगा। पांचवा कौन सा था मैम? हेड हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, फोर लिम्ब हो गया, और ये पूरी बॉडी वेट हो गया, हाइंड लिम्ब हो गया, और छठा पूंछ हो आपको रखना कहाँ है, ये तो ध्यान देखिए कहाँ रखना, कहाँ पैर को कहाँ टिकाना है ये देखिए, जमीन देख ले कहाँ रखते हैं। मैं तो बहुत प्यारा घोड़ा है, मुझे इसे बदमाश मिलेगा नहीं, बदमाश यहाँ भी है नहीं, बाई डिफॉल्ट ये तो हो गया ना, ये अच्छा है देखो ना, फिर रखेंगे वैसे ही या फिर वैसे पैर, ये नहीं कटा छोड़ दिया, ये कभी मत करना। अच्छा बच्चा, पीछे 1 2 3 4